हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बड़ी रेंज कैसे सेलेक्ट करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी टेबल आपको बनानी है, मान लीजिए कि 1000 सेल की टेबल आपको बनानी है। तो उसके लिए अगर आपको रेंज सेलेक्ट करनी हो तो उसके लिए मैं बहुत ही आसान सा शॉर्टकट आपको बताने वाला हूँ। अब मान लीजिए कि यहाँ से इस सेल से हमें जो है रेंज जो है वो सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो हमने सेल यहाँ पर रखी, उसके बाद कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ जी बटन दबाइए। तो यहाँ देखिए गो टू का ऑप्शन आपको सामने दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिएगा क्या करना है हमें, ये रेफरेंस में जो जो कुछ भी है इसको हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। हमने हटा दिया। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि किस कॉलम तक हमको रेंज चाहिए। मान लीजिए कि हमें एन कॉलम तक रेंज चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एन टाइप किया, ठीक। अब हमें किस रो तक चाहिए, मान लीजिए कि आपको 400 रो तक रेंज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो कॉलम के बाद हमें यहां पर आगे क्या करना है, 400 टाइप कर देना है, ठीक है। अभी कुछ मत करिएगा, ओके पे क्लिक ऐसे नहीं करना है, ठीक है। यहां तक हमने टाइप कर दिया, उसके बाद शिफ्ट बटन दबा करके रखिए, और यहां जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी रेंज जो है वो सेलेक्ट हो गई। आप यहां नीचे देख सकते हैं 400 शो कर रहा है आपको,